अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हमने डिस्कस करना है 2015 का इंटीरियर सिंध का पेपर। ये बायोलॉजी सेक्शन का पहला क्वेश्चन है कि द डायग्राम शोज़ द पेडिग्री या फैमिली ट्री है ये कैरिंग द सेक्स लिंग अलील फॉर कलर ब्लाइंडनेस। अगर आपने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा है तो उसके अंदर आपने कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ा होगा। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें जो पेशेंट होता है उसको दो कलर्स में डिफ्रेंशिएट करने में मसला होता है, यूजुअली रेड और ग्रीन का मसला होता है। ऐसा नहीं है कि उसको ट्रैफिक लाइट नज़र नहीं आती, रेड और ग्रीन का पता नहीं लगता। जब रेड और ग्रीन मिक्स होकर आते हैं, फॉर एग्जांपल इसका एक टेस्ट भी होता है, ये एक सर्कुलर सा एक चार्ट होता है जिसके अंदर सारे रेड डॉट होंगे, ठीक है, सारे रेड डॉट होंगे और फिर इसके अंदर ग्रीन डॉट से ना कोई नंबर लिखा होता है, लाइट ग्रीन डॉट से। अगर तो वो नॉर्मल हम लोग होंगे, हमारे अंदर कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो हमें नंबर नज़र आ जाएगा, हम बता देंगे ये नंबर लिखा है। जो कलर ब्लाइंड पर्सन होगा उसे वो नंबर नज़र नहीं आएगा, तो ये टेस्ट होता है इसका। अब कलर ब्लाइंडनेस की जो जीन लगी होती है वो लगी होती है सेक्स क्रोमोसोम पे। अब सेक्स क्रोमोसोम कौन से होते हैं, एक्स होता है और वाई होता है, फीमेल के पास दोनों एक्स होते हैं, मेल के पास एक एक्स और एक वाई होता है। लेकिन ये वाली जीन सिर्फ और सिर्फ इस वाले क्रोमोसोम पर लगी होती है, एक्स पर, वाई पर कुछ नहीं लगा होता है इसका, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक। अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने शो किया है भाई जो स्क्वायर है वो शो करेगा मेल को, स्क्वायर का मतलब मेल है और सर्कल का मतलब फीमेल है, ठीक है। ये जो खाली स्क्वायर है जिसमें लाइंस नहीं है इसका मतलब मेल नॉर्मल है, यानी उसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। और जो शेड बने हुए हैं जिन स्क्वायर के अंदर या जिन सर्कल में, इसका मतलब वो कलर ब्लाइंडनेस के पेशेंट्स हैं। अच्छा, अब एक और बात कि कलर ब्लाइंडनेस जो है ना, ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है। रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब ये तब होता है जब दोनों रिसेसिव अलील्स मौजूद हों। अब हम क्या करेंगे, पहले कलर ब्लाइंडनेस की जो जीन, पहले जो नॉर्मल वाली जो अलील है यानी जिसके होते हुए कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा, उसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल सी से, और जो अलील कलर ब्लाइंडनेस करवाती है उसको हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये होगी तो कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, ये होगी तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा। अब मेल के अंदर आपको पता है सिर्फ दो ही कंडीशन होती हैं, क्योंकि मेल के पास एक एक्स होता है तो या तो वो नॉर्मल वाला होगा तो मेल नॉर्मल होगा, या मेल के पास ख़राब वाला एक्स होगा यानी कलर ब्लाइंडनेस वाला होगा तो मेल बीमार हो जाएगा, मेल को कलर ब्लाइंडनेस होगी। फीमेल के अंदर तीन कंडीशंस हो सकती हैं, या तो इसके पास दोनों नॉर्मल वाले नॉर्मल वाली जीन हो, या इसके पास दोनों ख़राब वाली जीन हो। इस कंडीशन में फ़ीमेल नॉर्मल होगी, इस कंडीशन में फ़ीमेल कलर ब्लाइंड होगी, या एक कंडीशन ये होती है कि फ़ीमेल के पास एक नॉर्मल हो और एक ख़राब वाला हो। अब चूंकि मैंने आपको बताया ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी ये तब होता है जब दोनों रिसेसिव अलील हों, इस कंडीशन में फ़ीमेल कलर ब्लाइंड नहीं होगी। लेकिन इस कंडीशन को नॉर्मल नहीं कहते, इसको हम कहते हैं कैरियर। इसके अपने अंदर तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, लेकिन इसके जब बच्चे होंगे तो उनमें चांसेस है कि कलर ब्लाइंडनेस उन्हें हो सकता है। ये हो गई तमहीद, अब आ जाए इस सवाल पे। तो देखिए, इस क्रॉस को ना आपने ऊपर से सॉल्व नहीं करना। सवाल इन्होंने क्या पूछा है, फ्रॉम विच लेबल्ड मेंबर ऑफ हिज फैमिली डिड द एफ इनहेरिट डिसऑर्डर। ये पूरा चार्ट है, पूरी एक फैमिली ट्री है। वो कह रहे हैं ये जो लड़का है, ये लड़का है ना, क्योंकि ये मेल है, ये कलर ब्लाइंड है। अब आप बता दें कि इसको ये बीमारी कहाँ से मिली है, क्या सी से मिली है, क्या डी से मिली है, ई से, ए से, या बी से। तो आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। पहले इसका हम लिखेंगे जीनोटाइप। देखें, ये कलर ब्लाइंड है और ये मेल है। मेल के पास एक एक्स होता है और एक वाई होता है। मैंने आपको बताया मेल की सिर्फ दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो नॉर्मल एक्स होगा या कलर ब्लाइंडनेस वाला होगा। ये कलर ब्लाइंड है तो इसके पास कलर ब्लाइंडनेस वाला होगा, ठीक है, स्मॉल सी है ये। अच्छा, अब होता क्या है, मेल के पास एक एक्स आता है और एक वाई। वाई कहाँ से आएगा, वाई फादर से आएगा, तो इसे वाई यहाँ से मिला। इसका मतलब इसे फादर से बीमारी नहीं मिली, इसका मतलब इस वाले साइड से बीमारी नहीं मिली। स्टूडेंट क्या करता है, इसको देखता है कि ये शेडी है, इसको देखता है कि ये शेडी है, यहीं से आई होगी बीमारी, तो वो लगा के आ जाता है सी। जबकि इस तरफ से बीमारी नहीं आई है, क्योंकि इसके पास एक एक्स है और एक वाई। एक्स ख़राब वाला है, वाई पे कोई जीन नहीं होती, वाई हमेशा इसे मिलेगा इसके फादर से, तो यहाँ से तो वाई आया है, यहाँ से एक्स नहीं आया। इसका मतलब इसके फादर में बीमारी नहीं थी और हमें नज़र भी आ रहा है। इसका मतलब इसके फादर की साइड से कोई बीमारी नहीं आई है, बीमारी आई है मदर की साइड से। अब हमने पता लगाना है कहाँ से, यहाँ से आई है या यहाँ से आई है। तो ये एक्स जो आया है ख़राब वाला, वो यहाँ से आया है, ठीक है, स्मॉल सी है ये, यहाँ से आया। अच्छा, क्या ये फीमेल खुद बीमार नज़र आ रही है, ये नॉर्मल फीमेल है, इसका मतलब क्या है, इसके अपने अंदर अलामत नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया इसके पास एक ख़राब सी मौजूद है, एक ख़राब जीन मौजूद है, इसका मतलब इसके पास दूसरी कौन सी होगी, दूसरी नॉर्मल होगी। इस कंडीशन को हमने नाम दिया था कैरियर। तो कैरियर के अंदर अपना कोई वो नहीं होता।
अपना इशू नहीं होता, ठीक है, अपने अंदर इशू नहीं होता, लेकिन इसके बच्चों के अंदर बीमारी जाती है। अच्छा, अब ये है कैरियर, इसका मतलब इसके पास एक ख़राब सी है, एक नॉर्मल सी है और एक ख़राब है, तो ये इसके पेरेंट्स से आया होगा। अब गौर करें, अगर इसके फादर के पास से इसके पास ख़राब सी आता तो फादर खुद बीमार होता, क्योंकि फादर के पास एक एक्स है और एक वाई है, वाई का तो कोई अमल दखल है नहीं, एक्स का सारा अमल दखल है। अगर नॉर्मल वाला एक्स होगा तो फादर नॉर्मल है, हमें नज़र आ रहा है फादर नॉर्मल है, तो इसका मतलब फादर के पास से नॉर्मल वाली जीन आई थी। ये वाली जो जीन आई है जिसने इसे कैरियर बनाया है वो इसकी मदर के पास से आई है, ठीक है, ये इसकी मदर के पास से आई है। तो यानी ई से बीमारी नहीं मिली है, अब बीमारी या तो बी से मिली है या ए से मिली है। अब इस फीमेल को देख लें, इसके पास एक जीन जो है वो कलर ब्लाइंडनेस की है, लेकिन ये खुद बीमार नहीं है, इसका मतलब इसके पास दूसरी जीन क्या होगी, दूसरी जीन नॉर्मल होगी। अगेन, अगर इसके फादर के पास से ख़राब जीन आती तो इसका फादर बीमार होता, लेकिन इसके फादर के पास से आई है सही वाली जीन, इसका मतलब इसका फादर नॉर्मल है। इसको ये जो ख़राब जीन मिली है ये मिली है इसकी मदर से, और यही वो जीन है जो ट्रैवल करते 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 इस लड़के तक गई है। तो ये जो आंसर है इसका वो बी है, ये जो बीमारी इस लड़के को मिली है ये इसकी मदर की साइड से मिली है, इसकी मदर को उसकी मदर से ख़राब जीन और उसकी मदर को उसकी मदर से ख़राब जीन मिली है। तो करेक्ट आंसर जो है वो बी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैनक्रियाज इज स्टिमुलेटेड टू सीक्रेट इट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाय। तो ये हमारे पास लिवर है और ये यहाँ पर पड़ा होता है पैनक्रियाज, ठीक है, ये लीफ लाइक ऑर्गन है। पेनक्रियास से एक अदद पाइप निकलता है जिसे हम कहते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, लिवर से आती है बाइल डक्ट, ठीक है, और ये दोनों मिलकर खुलती हैं ड्यूडेनम के अंदर, डाइजेस्टिव इंटेस्टाइन के अंदर खुलती हैं। पेनक्रियास से आता है पेनक्रियाटिक जूस। अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो पेनक्रियास को फोर्स करती है या बताती है या स्टिमुलेट करती है, जगाती है कि भाई पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करो। तो उसका आंसर है हमारे पास सेक्रेटिन। अब ये सेक्रेटिन क्या चीज़ है, तो सेक्रेटिन बेसिकली एक हार्मोन है, लेकिन ये पेनक्रियास से नहीं आता, ये आता है इंटेस्टाइन से, ये हमारी इंटेस्टाइन से रिलीज होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये इंटेस्टाइन है, इस इंटेस्टाइन से ये हार्मोन निकलेगा, कहाँ जाएगा, हार्मोन ट्रेवल करते हैं ब्लड में, ये ब्लड से घूम के वापस आएगा किसके पास, पेनक्रियास के पास, और पेनक्रियास के उन सेल्स को मैसेज देगा जिनका काम है जूस बनाना, पेनक्रियाटिक जूस बनाना, और ये रिलीज़ करेंगे पेनक्रियाटिक जूस। तो ये आपकी बुक में चैप्टर नंबर 11 में मिल जाएगा सीक्रेटिन। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो स्टमक है, स्टमक से रिलीज़ होता है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, स्टमक से जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ होता है वो कौन रिलीज़ करवाता है या वो इंक्रीज़ कौन करवाता है, तो इसके लिए भी एक हार्मोन है, इसका नाम है गैस्ट्रिन, ठीक है, इसका नाम है गैस्ट्रिन। तो गैस्ट्रिन स्टमक का जूस रिलीज करवाता है, सीक्रेटिन जो है ये पेनक्रियास का पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करवाता है। गॉल ब्लैडर से क्या आता है, गॉल ब्लैडर से बाइल आता है, ठीक है, और इसके लिए भी एक हार्मोन होता है, खैर फिलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे। लिवर जो है, लिवर बाइल बनाता है, लिवर से कोई जो है वो सीक्रीशन कोई डाइजेस्टिव जूस नहीं आता, सिर्फ बाइल आता है और वो बाइल गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है, लेकिन इसका ताल्लुक पेनक्रियाटिक जूस से नहीं है, इंसुलिन जो है ये पेनक्रियास से रिलीज होता है और इसका ताल्लुक होता है ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को कम करने से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। अब इसमें से चार ऐसे हैं कि जो आपस में रिलेटेड हैं और एक ऐसा है जो अनरिलेटेड है, कोई ऑड वन है जो आपने निकालना है। बहुत आसान सा सवाल है ये, देखिए भाई ये जो ऊपर वाली चार हैं ये आपस में रिलेटेड हैं, कैसे ये आपको लाजमी पता होना चाहिए, तो हमारा जो आंसर है वो है ई। ये जो चार हैं ये प्लांट्स की जिस डिवीजन से बिलोंग करते हैं इसे हम कहते हैं ट्रैकियोफाइट्स। ट्रैकियोफाइट्स के बारे में आपने पढ़ा है कि ट्रैकियोफाइट्स वो होते हैं कि जिनके पास दो चीज़ें होती हैं, जाइलम और फ्लोएम, जिन्हें मिलाकर हम कहते हैं वैस्कुलर बंडल, ठीक है। तो ये लाइकोप्सिडा जो हैं ये भी ट्रैकियोफाइट्स हैं। लाइकोप्सिडा के अंदर आपका एक बड़ा मशहूर प्लांट आता है स्लेजनेला, आपने इंटर के अंदर जो है इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू बहुत सुना होगा। स्लेजनेला दो तरह के स्पोर प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ वाई इसे कहते हैं हीट्रोस्पोरस, ठीक है। तो स्लेजनेला जो है ये लाइकोप्सिडा के अंदर ही आता है और इनका दूसरा नाम क्लब मॉसेस होता है। माइमोसिस, ये तो आपकी फैमिलीज़ के अंदर है, छह फैमिलीज़ जो आप पढ़ते हैं आपने वो प्लांट पढ़ा है माइमोसा बुडिका, जिसे टच मी नॉट कहते हैं, तो ये उसके अंदर आता है। इसके अंदर ये वो प्लांट्स है जिनके अंदर फ्लावर होता है,
और इन प्लांट्स को हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। तो ये भी एंजियोस्पर्म से बिलोंग करता है जो ट्रैकियोफाइट में आते हैं। सीजल पिनियस, ये भी एक फैमिली है, ये भी एंजियोस्पर्म से बिलोंग करती है जो ट्रैकियोफाइट में आती है। टेरॉप्सिडा, टेरॉप्सिडा में आते हैं फर्न्स, टेरॉप्सिडा होते हैं फर्न्स। तो फर्न्स भी जो हैं ये बिलोंग करते हैं ट्रैकियोफाइट से। तो ये चारों ट्रैकियोफाइट से बिलोंग करते हैं। अलबत्ता ये जो है ये ब्रायोफाइट्स की थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास का मतलब थर्ड क्लास नहीं, तीसरी क्लास है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स के अंदर आपने तीन कैटेगरीज पढ़ी होंगी। ब्रायोफाइट्स वो हैं जिनके पास ना जाइलम होता है, ठीक है, ना फ्लोएम होता है। ब्रायोफाइट्स की तीन कैटेगरी हैं, एक ये है, इसके अलावा एक मॉसिस है जिसकी आपने लाइफ साइकिल पढ़ी होगी, लाइफ साइकिल ऑफ मॉसिस या लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट या लाइफ साइकिल ऑफ फिनेरिया। तो ये जो फिनेरिया है ये मॉस की एग्जाम्पल है। और पहली कैटेगरी जो लिवर की तरह नज़र आते हैं वो कहलाते हैं हेपेटिसी। तो हेपेटिसी, मॉसिस और एंथोसेराटी, ये तीन जो हैं ये ब्रायोफाइट की कैटेगरी हैं। तो ये ऑड वन है। ओके, फेरिथीमा पोस्ट्यूमा इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ, तो ये आपको मिल जाएगा, ये मेरे ख्याल में नाम लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 10 में, किंगडम एनिमेलिया के अंदर, फाइलम एनालिडा है। तो फाइलम एनालिडा की एग्जाम्पल है अर्थवर्म, वहाँ पर इसका नाम लिखा हुआ है ये फेरिथीमा पोस्ट्यूमा, ये नाम है अर्थवर्म का, ठीक है। अच्छा, इस नाम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से में मौजूद है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम जो है ये लीनियस ने निकाला था कि भाई हर ऑर्गेनिज्म का एक नाम होगा कि जिसके दो पीसेस होंगे। पहला पीस जो है ये शो करेगा उसके जीनस को, और दूसरा पीस जो है ये शो करेगा उसकी स्पीशी को। और रूल ये है कि जीनस का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल होता है, स्पीशी का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो स्मॉल होता है। अच्छा भाई, ये चैप्टर नंबर 5 सेकेंड ईयर बायोलॉजी में है। 5 वर्ड्स आर शोन बिलो, ब्लास्टोसिस्ट, कंसेप्शन, इम्प्लांटेशन, जाइगोट और जेस्टेशन, ये 5 वर्ड्स हैं। नाउ दीज वर्ड्स कैन बी यूज इन द स्पेसिस, ये हमारे पास स्पेसिस मौजूद है, यहाँ पर इनमें से कोई एक वर्ड आएगा, ठीक है। 5 जगहें हैं, आपने पैराग्राफ पढ़ना है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। देखिए भाई, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है स्पर्म और ओवम का मिलना। इंसानों में फर्टिलाइजेशन को और क्या कहा जाता है, ये टर्म आपको मिल जाएगी चैप्टर नंबर 4 के आखिर में। इंसानों में फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम होता है कंसेप्शन। तो पी की जगह क्या आना चाहिए, कंसेप्शन। तो देख लें कंसेप्शन को कहाँ पी की जगह रखा गया है, ए की जगह है, यही आंसर है आपका, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन हैज़ टेकन प्लेस इन द ओविडक फैलोपियन ट्यूब को कहते हैं द क्यू बिगिंस टू डिवाइड। भाई फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है, तो जायगोट आना चाहिए क्यू पे, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये क्यू जो है, जायगोट जो है, ये डिवाइड करता है, और डिवाइड करने के बाद बॉल ऑफ सेल बनाता है। उस बॉल ऑफ सेल को कहा है इन्होंने आर। अच्छा, पहले उस बॉल ऑफ सेल को हम कहते हैं मोरूला, मोरूला के बाद बनता है ब्लास्टोला। तो यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट लिखा हुआ है, एक ही बात है, तो ब्लास्टोसिस्ट आना चाहिए आर वाले पॉइंट के ऊपर। विच ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट एंड रीचेज द यूट्रस टू बी एम्बेडेड इन इट्स वॉल, ये प्रोसेस कहलाता है एस। देखिए, ये जो प्रोडक्ट बना है ना, ये जो ब्लास्टोसिस बना है, ये जब यूट्रस में जाके उसकी दीवार में चिपकेगा, इस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो एस जो है ये इम्प्लांटेशन है। एंड इट मार्क्स द स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी, जो इम्प्लांटेशन हो जाती है यहाँ से प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। और कंसेप्शन से लेकर, यानी जब फर्टिलाइजेशन हुई थी तब से लेकर बर्थ तक का जो वक्त है ये कहलाता है जेस्टेशन। ये सारी टर्म आपको मिल जाएंगी चैप्टर नंबर 4 के आखिर में। ये मैं एक्सप्लेन भी करूँगा डिटेल में जब मैं चैप्टर नंबर 4 समझाऊंगा। द डायग्राम शोज अ सेक्शन थ्रू द ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, हमें तो लगा कि पैर की डायग्राम है, जाहिर है ह्यूमन ब्रेन की डायग्राम है। व्हाट आर द नेम्स ऑफ द पार्ट्स लेबल्ड 1, 2 एंड 3, ये 1 है भाई, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कहाँ है कोई मसला नहीं है। ये 3 है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कहाँ है कोई मसला नहीं है। और ये 2 है। देखिए, मेरा फेवरेट जो है ना वो है ये पार्ट, ठीक है। ये पार्ट देखें बाकी पार्ट से बिल्कुल अलग पीछे लगा हुआ है, दिस इज़ नोन एज सेरिबेलम। तो अगर आपको सेरिबेलम पता है तो आपके लिए आसान हो जाना चाहिए। हाँ, तो 2 जो है हमारा वो है सेरिबेलम, ठीक है। अब देख लें कितने ऑप्शंस हैं कि जिसके अंदर 2 में सेरिबेलम है, इसमें नहीं है, इसमें दिया हुआ है, ठीक है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, बस ख़त्म हो गई बात। अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि ये छोटा सा पार्ट सेरिबेलम है तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ सेरिबेलम को हमेशा याद रखें। अच्छा, बाकी दोनों पार्ट्स कौन से हैं, ये ऊपर वाला जितना भी पार्ट होता है ना, ये पार्ट जो आपको नज़र आ रहा है, ये दिस इज़ नोन एज सेरिब्रम। और ये चूँकि आधा है, आधा इन्होंने काट के अलग कर दिया, तो ये कहलाता है सेरिब्रल हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का मतलब आधा स्फेयर, तो ये आधा दिमाग है, ठीक है, आधा दिमाग इन्होंने हटा दिया, दोनों को मिलाकर सेरिब्रम कहते हैं। तो 1 जो है ये सेरिब्रम है। 3 क्या है, देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इसको मैं अगर निकाल के बनाऊँ,
ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये मिड ब्रेन है, ठीक है। इसके बाद ये सूजा हुआ पार्ट जो आपको नज़र आता है, ये सूजा हुआ पार्ट, दिस इज़ नोन एज पॉन्स। और इसके बाद इस पॉन्स के नीचे वाला पार्ट होता है मेडला, और मेडला के बाद से शुरू हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये पॉन्स है। अब इनके फंक्शन में मैं यहाँ बता दूँ, देखिए सेरिब्रम जो भी काम हम जागते हुए और कॉन्शियस हालत में करते हैं ना, यानी होशो हवास में करते हैं, वो सारे काम सेरिब्रम से कंट्रोल होते हैं। आप जो सवालात करते हैं, आप जो सोचते हैं, आपकी जो मेमोरी है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं आपके इस ऊपर वाले पार्ट से, जिसे हम सेरिब्रम कहते हैं। सेरिबेलम जो है ना, इसका काम होता है मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, यानी मसल्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्जांपल आप कोई वेट उठाना चाहते हैं तो आपके हाथ का जो ऊपर वाला मसल है, ये अगर आपका आर्म है, ठीक है, और ये आपका फोर आर्म है, तो एक मसल आपका यहाँ है, एक मसल आपका यहाँ है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। ये वाला मसल क्या करेगा, इस हाथ को बंद करवाएगा, और ये वाला मसल इस हाथ को खुलवाएगा। तो जब ये वाला मसल काम करे ना, इस वाले मसल को रिलैक्स होना है, और जब ये वाला मसल काम करे, इस वाले मसल को रिलैक्स होना है, इसे कहते हैं मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। तो ये काम जो है ये सेरिबेलम करता है। हमारा बैलेंस मेंटेन करना भी सेरिबेलम का काम होता है। जिन लोगों के बैलेंस के अंदर गड़बड़ होती है, जो पेशेंट होते हैं जिनका बैलेंस ख़राब हो चुका होता है, उनका हो सकता है कि सेरिबेलम के अंदर मसला हो। बाकी बच गया पॉन्स। पॉन्स जो है उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आपकी बुक में, वो है फेशियल एक्सप्रेशन। हमारे फेस से जितने भी फेश एक्सप्रेशन आते हैं, खुशी का आता है, गम का आता है, दुख का आता है, तकलीफ़ का आता है, तो ये सारे जो एक्सप्रेशन हैं हमारे, ये फेस के मसल से कंट्रोल होते हैं, और फेस के मसल जो हैं इन्हें पॉन्स कंट्रोल करता है। ओके, द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ अ फ्लावर आफ्टर इट हैज़ बीन पॉलिनेटेड, सही है। विच रो करेक्टली आइडेंटिफाइज वन ऑफ द लेबल्ड स्ट्रक्चर। तो देखें भाई, ये हमारे पास फ्लावर के पार्ट्स हैं, ठीक है। ये जो है आपका वन जो है, ये सेपल्स हैं, ठीक है। आपने फ्लावर देखा है तो फ्लावर का क्रॉस सेक्शन आपने देखा होगा, तो ये ग्रीन कलर के जो लीव्स होते हैं ये सेपल्स कहलाते हैं। फिर आते हैं इस तरह के लीव्स, ये पेटल्स कहलाते हैं, ठीक है। फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आते हैं, जिसमें एक इस तरह का होता है, दिस इज एंड्रोशियम, और उसके बाद इस तरह का पार्ट आता है, ये कार्पल कहलाता है, या ये गाइनोशियम कहलाता है। तो ये वो पार्ट है, ये अंदर वाला पार्ट है, ठीक है। ये नहीं है इसमें, ये नहीं है इसमें, और ये नज़र आ रहा है। तो ये वन जो है ना, ये सेपल है, अच्छा। उसके बाद ये पूरा कार्पल है। अब कार्पल का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, दिस इज़ नोन एज स्टिग्मा, ठीक है, दिस इज स्टिग्मा। फिर ये नेक आती है इसकी, दिस इज़ नोन एज स्टाइल, ये वाली नेक। और उसके बाद ये पूरा सूजा हुआ पार्ट जो है, दिस इज़ नोन एज ओवरी, और ओवरी के अंदर आपको मिल जाएंगे ओव्यूल। अब आपको पता है कि जब पॉलिनेशन नहीं होती, जिस वक्त पॉलिनेशन नहीं हुई उस वक्त तक ओव्यूल होता है और ओवरी होती है। जब पॉलिनेशन हो जाती है तो यही ओव्यूल आगे जाकर कन्वर्ट हो जाता है सीड में, और यही ओवरी जो इसके अराउंड होती है, ये आगे जाकर कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। तो आप जो सेब खाते हैं, सेब के अंदर जो बीज है वो पहले ओव्यूल था, और जो सेब है वो पहले ओवरी थी। अब इसको अगर हम यहाँ देखें तो ये जो थ्री है, ये या तो ओव्यूल होगा या कन्वर्ट हो चुका है, तो क्या होगा, ये सीड होगा। ये जो फोर है, ये स्टिग्मा है, और ये जो टू है, ये बेसिकली अ फ्रूट की कवरिंग है, दिस इज नोन एज पेरिकार्प, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पेरिकार्प। तो अब जरा अगर हम ऑप्शन देखें, तो इन्होंने कहा है क्या वन स्टिग्मा है, वन जो है वो सेपल है, वन स्टिग्मा नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। क्या टू जो है वो सीड है, टू जो है मैंने कहा ये कवरिंग है, दिस इज नोन एज पेरिकार्प, तो टू भी हमारा ऑप्शन नहीं है। क्या थ्री जो है वो ओव्यूल है, बिल्कुल ओव्यूल है, अगर ये इसे सीड भी कहते तो हम सीड भी मान लेते, तो थ्री जो है ये करेक्ट आंसर है। क्या फोर जो है वो पेरिकार्प है, मैंने फोर के बारे में बताया, ये स्टिग्मा है, ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डेजर्ट इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम आपको चैप्टर नंबर 12 के अंदर मिल जाएंगे, वहाँ पे फॉरेस्ट भी है, वहाँ पे डेजर्ट भी है, वहाँ पे आपका टंड्रा भी है, वहाँ पे ग्रासलैंड भी है। तो डेजर्ट के बारे में कौन सी बात इन्होंने कहा है कि सही है, तो एक तो आप पढ़ लीजिएगा, फिलहाल मैं बता दूँ आपको ये वाली बात जो है कि जहाँ पर एवेपोरेशन जो है वो एक्सीड हो जाती है रेनफॉल से, यानी बारिशें कम होती हैं और पानी उड़ता जो है वो ज़्यादा है, जाहिर सी बात है ऐसी जगह पर ही खुश्की होगी, और डेजर्ट जो है वहाँ पर पानी नहीं होता, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा होती है, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि जो पानी होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा उड़ जाता है और रेनफॉल कम होता है। तो ये बेसिक इसका मेन पॉइंट है, अगर रेनफॉल इतना ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे डेजर्ट नहीं बनेगा, वहाँ पे क्या बनेगा, वहाँ पे बनेगा फॉरेस्ट। तो ये फॉरेस्ट के बारे में ट्रू है, ठीक है। सब सॉइल जो है वो परमानेंटली फ्रोजन है,
जहाँ की सॉइल फ्रोजन है ना, वो वाला इकोसिस्टम आपका या वो वाला बायोम कहलाता है टंड्रा। ठीक है, जैसे टंड्रा। ड्राई सीजन बहुत शॉर्ट है और टेम्परेचर रेंज करता है लेस देन 180 डिग्री थ्रू आउट द ईयर। ये भी इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो है लेस देन 180 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये मुझे नहीं पता किस चीज़ के बारे में है, देखना पड़ेगा। खैर आप देख लीजिएगा, बट डेजर्ट के बारे में ये कन्फर्म है कि ये एवेपोरेशन जो है वो एक्सीड करता है रेनफॉल से। ओके, लेमार्क थ्योरी इज बेस्ड ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सेप्ट। तो लेमार्क थ्योरी के तीन पॉइंट्स हैं। ये वाला पॉइंट है इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन्स और इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर। ये जो नेचुरल सिलेक्शन का पॉइंट है ये डार्विन का है, तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, यानी यही हमारा ऑप्शन है। हमें लेमार्क की थ्योरी के पॉइंट नहीं निकालने, हमें वो पॉइंट निकालना जो लेमार्क का नहीं था। अब लेमार्क क्या कहता है? लेमार्क कहता है कि भाई एनवायरनमेंट जो है ना वो एनिमल को किसी ना किसी सिचुएशन में डालता है। उस सिचुएशन में आने के बाद एनिमल क्या करता है, किसी ऑर्गन का इस्तेमाल बढ़ा देता है और किसी ऑर्गन का इस्तेमाल कम कर देता है। जिस ऑर्गन का इस्तेमाल वो बढ़ा देगा वो बेहतर हो जाएगा उसमें, और जिस ऑर्गन का इस्तेमाल वो कम कर देगा वो कमज़ोर हो जाएगा उसमें। अब यही चेंज जो इसके अंदर आया है, लेमार्क कहता है कि वो इसे अपनी जनरेशन में पास ऑन करता है। और जिस ऑर्गन का इस्तेमाल बढ़ा दिया था वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन स्ट्रांग होता जाता है, और जिस ऑर्गन का इस्तेमाल कम कर दिया था वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन वीक होता जाता है। एग्जाम्पल क्या दी उसने कि जो जिराफ है आज का वो पहले हॉर्स जितना था। जब उन्होंने अपनी गर्दन के मसल्स को स्ट्रेच करना शुरू किया तो उनके अंदर चेंज आया, फिर उन्होंने ये चेंज अपनी जनरेशन में पास किया, उन्होंने और स्ट्रेच किया, फिर ये चेंज उनकी जनरेशन में पास, उन्होंने और स्ट्रेच किया, तो आज उनकी गर्दन इतनी लंबी हो गई। यही एग्जाम्पल ये उसके बारे में देता है स्नेक के बारे में, कि स्नेक के पहले पैर मौजूद थे, लिम्स मौजूद थे, लेकिन उसने लिम्स का इस्तेमाल छोड़ दिया और स्लाइड करने लगा, तो उसके अंदर चेंज आया कि उसके लिम्स वीक हो गए। फिर उसने अपनी जनरेशन में ये पास ऑन किया, फिर उनकी जनरेशन में पास ऑन हुआ, तो आहिस्ता आहिस्ता लिम्स वीक होते 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 कमज़ोर होते होते ख़त्म हो गए। ये जो लेमार्क की थ्योरी है इसके दोनों पॉइंट सही हैं, एनवायरनमेंट के इफेक्ट वाला और यूज़ एंड डिसयूज़ वाला। मसला आता है इसके ये वाले पॉइंट में कि जो भी चेंजेस हम लाइफ में हासिल करते हैं वो अक्वाइर्ड कहलाते हैं और वो चेंजेस आगे पास ऑन नहीं होते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपकी किडनी निकाल लूँ तो ऐसा नहीं है कि आपका जब बच्चा पैदा होगा तो उसमें किडनी नहीं होगी, या अगर आपको कोई चोट लगती है और बॉडी के ऊपर स्कार आ जाता है, निशान आ जाता है, तो बच्चे के अंदर उसी पॉइंट के ऊपर निशान नहीं होता। लड़कियाँ कान छिदवाती हैं, नाक छिदवाती हैं, तो उनके घर जब बच्चा पैदा होता है तो वो होल्स के साथ पैदा नहीं होता, क्योंकि ये सारे कैरेक्टर्स जो थे ये अक्वाइर्ड थे, ये हमने हासिल किए थे और ये जनरेशन में पास ऑन नहीं होते। द ब्लास्टोडर्म इन चिक स्प्लिट्स इन टू। अब ये ब्लास्टोडर्म क्या है, तो इसके लिए आप मेरी वो वीडियो देखें डेवलपमेंट ऑफ चिक वाली, उसमें पूरा ये एक्सप्लेन किया मैंने। पहले जायगोट बनता है स्पर्म और ओवम के मिलने के बाद, फिर एक से दो सेल बनते हैं, दो से चार बनते हैं, चार से आठ बनते हैं, उसके बाद एक बॉल बनती है सेल्स की। ये बॉल जो है ये कहलाती है मोरोला। मोरोला के जितने भी सेल्स हैं वो अपने आप को ना दो लेयर्स में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, एक ये आउटर लेयर है और फिर ये एक इनर लेयर होती है। ठीक है, और इनके दरमियान एक कैविटी है, दिस कैविटी इज कॉल्ड ब्लास्टोसील। ये वाला स्टेज कहलाता है ब्लास्टोला। अब ये जो मोरोला के जितने भी सेल्स थे ना ये मिलाकर कहा जाता है ब्लास्टोडर्म। एक सेल को कहते हैं ब्लास्टोमेयर और सारे सेल्स को मिलाकर जो लेयर बनी है वो कहलाती है ब्लास्टोडर्म। तो ब्लास्टोडर्म ने अपने आप को डिफ्रेंशिएट किया दो लेयर्स में, स्प्लिट हो गई दो लेयर्स में, ये आउटर लेयर है और ये इनर लेयर है। इनिशियली इनके नाम होते हैं एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। ठीक है, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। बाद में इसी एपीब्लास्ट से आगे जाकर बनती है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, इससे कुछ नहीं बनता। ठीक है भाई।